बरेली में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के 30 लाभार्थियों को चेक दिया गया। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से योजना के जरिए उनके जीवन में आए परिवर्तन के बारे में रोचक जानकारियां ली। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। बरेली में स्थानीय स्तर पर प्रयास होगा कि इसको बेहतर ढंग से लागू कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जो एक तो संस्थागत ऋण से लोग जुड़ेंगे और स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं होता है, नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका, नगर पंचायत के द्वारा एक सर्टिफिकेट उनको प्राप्त होगा, उनको लेजिटिमेसी वैधता एक प्राप्त होगी, तो उनको एक आधार होगा, कोई बेवजह भी परेशान नहीं कर पाएगा कि हाँ आप स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको लीगल एंटिटी के रूप में मान्यता मिल रही है, उनको संस्थागत ऋण से जोड़ा जा रहा है। तो ये योजना काफ़ी व्यापक रूप से है और इसमें इतने इंसेंटिव्स हैं कि 10,000 का ऋण दिया जाएगा, अगर सही समय में आप चुकता करते हैं, ऋण की अदायगी करते हैं, तो आपको 20,000 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट को प्रोत्साहित करते हैं तो पर मंथ 100 रुपीज़ और एक साल में 1200 रुपये तक आपको कैशबैक मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। 7% तक ब्याज सब्सिडी है, तो आपको लगभग नगण्य ब्याज देना होगा। तो अगर इसको सही तरीके से हम लोग करते हैं लागू, और हम लोगों ने अब इसके बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको वितरण किया है, इसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया है नगर निगम नगर पालिकाओं में कि इसको हम बहुत बेहतर तरीके से जारी करेंगे। ये एक तरह से शुरुआत है और इसको हम बेहतर तरीके से हर एक स्ट्रीट वेंडर्स और जो अभी व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, ज़मीन के नीचे अपना बिछा रहे हैं, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको अपना 10,000 ऋण मिले और वो अपना ठेला लगा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से। और मेरा भी विश्वास है कि जो गरीब लोग हैं ऋण की अदायगी भी समय पर से करेंगे और बैंक इच्छुक जो लाभार्थी हैं उसको तत्काल रूप से ऋण स्वीकृत करेंगे। और सभी टीम है, बैंक्स हैं, सभी नगर निगम, सभी लोग एकदम उत्साहित हैं कि हम इस योजना को बहुत अच्छे तरीके से बरेली में और बेहतर तरीके से हम लागू करेंगे। हम देश में 13वें नंबर पर आए हैं, हमारे 6,000 से ज़्यादा ऋण स्वीकृत हो गए हैं, लोगों को उनके खातों में पहुँच गए हैं। हमारा प्रयास यह है कि अभी दूसरे फेस में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम देश में पहले नंबर पे हैं। उसके लिए हमारी जो सारी टीम है, नगर निगम की, बैंक की, डूडा की, सारी टीम लगी हुई है। और अब हम क्षेत्रीय पार्षदों को भी जोड़ रहे हैं कि वो भी अपने क्षेत्र में जाके देख लें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो इस योजना का लाभ ना उठा सके। क्योंकि देखा यह गया है कि जो ठेले वाले या पटरी वाले हैं, ये 10-10 हज़ार का जो लोन है ये लोग सूदखोरों से लेते हैं और वो 10-10% महीने के ब्याज पे उनको पैसा देते हैं। तो इतनी बड़ी सौगात, ये संजीवनी बूटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को दी है, तो उसका लाभ सब लोगों को पहुँचे। बैंक भी आगे बढ़ के इसमें लोगों तक पैसा पहुँचा रहे हैं, उनके खातों में पैसा पहुँच रहा है, फिर उस पर जो ब्याज है उस पर सब्सिडी है, कैशबैक के रूप में उनको ब्याज नगण्य हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ जितने ज़्यादा लोगों को मिल सके, हमारा प्रयास है कि बरेली देश में नंबर 1।